तस्वीर देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जनाब क्या कर रहे हैं। आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये कितने पावरफुल हैं कि इस काम के लिए 15 डिब्बों वाली पूरी की पूरी लोकल ट्रेन रोक दी। दूर से देखेंगे तो सब कुछ सामान्य लगेगा। हो सकता है सिग्नल ना हो इसलिए लोकल रुक गई हो, लेकिन जब पास से देखेंगे तो रुकी हुई लोकल के सामने ये वीर पुरुष नजर आएगा। माजरा क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन का समय को लेकर अनुशासन ऐसा है कि आप अपनी घड़ी की सुई उससे मिला सकते हैं। मुंबई शहर भी ऐसा है जहां एक एक सेकंड की कीमत है। दूरी इतनी है कि एक सेकंड भी देर हुई कि आपकी कनेक्टिंग ट्रेन या बस छूट सकती है, और फिर दफ्तर के लिए देर, स्कूल कॉलेज के लिए देर, यानी आपका काम खराब। रोजाना करीब 75 लाख लोगों को लाने ले जाने वाली, सुबह 4 बजे से रात 1 बजे तक बिना थके दौड़ने वाली 191 ट्रेन सेट 2342 फेरे लेती है और करीब 390 किलोमीटर का एरिया कवर करने वाली मुंबई लोकल को एक शख्स इस तरह रोक दे तो हैरानी होगी ही। आखिर ये महाशय हैं कौन? रेलवे के बड़े अधिकारी, कोई दिग्गज नेता या फिर मंत्री? लेकिन मुंबई लोकल का रसूख तो ऐसा है कि बड़े से बड़ा मंत्री भी उसे नहीं रोक सकता, और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं रोक सकता। जब ट्रेन में कोई खराबी नहीं, सिग्नल भी ग्रीन, तो ट्रेन को रोक देने से खतरा भी हो सकता है। मुंबई के दोनों प्रमुख रूट वेस्टर्न और सेंट्रल लाइन बेहद बिजी हैं, और एक के पीछे दूसरी लोकल करीब करीब सट के ही चलती है। तो मतलब ये हुआ कि एक लोकल रुकी तो उसके पीछे दसियों रुक जाएंगी, और वो रुकेंगी तो उन सैकड़ों लोगों का टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा जो इनमें सफर कर रहे होंगे। लेकिन इसकी बहादुरी देखिए, मुंबई के सेंट्रल रूट पर सुबह जब सैकड़ों लोग अपने काम पर जाने के लिए उल्लासनगर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की ओर रवाना हुए, तो विट्ठलवाड़ी स्टेशन से ठीक पहले अचानक ट्रेन रुक गई। यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, ट्रेन रुकी क्यों। अब आगे की तस्वीर देखिए, अब आपको समझ आ गया होगा कि कहानी क्या है। दरअसल उल्लासनगर से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ जा रही इस ट्रेन के ड्राइवर के फुल ब्लैडर ने इतना प्रेशर डाला कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और आप देखा ना ताव, ट्रेन जहां थी वहीं रोक दी। अब भाई प्रकृति की पुकार थी तो उसे ना तो नहीं कह सकते। क्या हुआ जो 2 मिनट के लिए ट्रेन को खड़ा करना पड़ गया? जब ड्राइवर साहब इत्मीनान से फारिग हो लिए तब इंजन पर चढ़े और गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन ड्राइवर साहब की किस्मत खराब थी, जहां उन्होंने ट्रेन रोकी उसके पास ही एक ओवरब्रिज था और वहां मौजूद थे कुछ अमेचर फोटोग्राफर्स। वाह वाह वाह, ये बघ मेघना शॉट बघ लवकर, जिन्होंने अपने मोबाइल से उनकी इस हरकत को कैद कर लिया। बघना शॉट बघना आईस। अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रकृति की पुकार कभी भी कहीं भी आ सकती है, लेकिन जब आपके कंधे पर सैकड़ों लोगों की जान का जिम्मा हो तो क्या ऐसा रिस्क लिया जा सकता है? अब ये वीडियो वायरल होने के बाद भी ड्राइवर साहब बच निकलते हैं या उनकी इस करनी पर रेलवे कोई एक्शन लेता है, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।